तो क्या दोस्तों, आपने भी एक नया टैटू बनवाया है हाल ही में, या आप एक नया टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हो, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन बन के यही सामने सबसे पहले आता है अगर आपका एक नया टैटू है तो, कि व्हाट्स अप्लाई ऑन न्यू टैटू। क्या आपने एक टैटू को, जो आपका एक नया टैटू है, उसे बेस्ट टैटू बनाने के लिए अपने टैटू के ऊपर क्या अप्लाई करोगे जिससे आपका टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यही एक सबसे मेन प्रॉपर रीज़न है कि विदाउट किसी इन्फेक्शन के आपका टैटू डार्क टैटू बन के आपके सामने आ जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफली ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं। इंस्टाग्राम पे भरे पड़े डीएम से मेरे, लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपना टैटू बनवाया तब तो डार्क था, लेकिन अब बिल्कुल मेरा टैटू हल्का पड़ चुका, देख सकते हो, मैंने आपको फोटो भी अटैच कर दिया, स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूँ। ये सब मेरे सब्सक्राइबरों के टैटू है, इनका टैटू जब बनवाया था कुछ ऐसा था और अब देखने में कुछ ऐसा है। इनका मेन जो गलती है, सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने टैटू को राइट प्रिकॉशन तो देते, लेकिन उसके साथ साथ में अपने टैटू को हीलिंग प्रोसेस में थोड़ी सी एक भूल चूक कर देते हैं, जो अपने के ऊपर अप्लाई करने के लिए राइट प्रोडक्ट का चूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे बस यही बात करने वाले हैं कि आपके नया टैटू के ऊपर क्या अप्लाई करना होगा जिससे आपका टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन के एक बेस्ट रूप ले सके डार्क टैटू के स्वरूप में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को एंड तक देख लेना अगर आप चाहते हो कि आपका टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन के एक डार्क टैटू बन के आपके सामने आ पाए तो, और ये भी आपको राइट गाइडलाइंस मिल जाएगी कि क्या आपको अप्लाई करना होगा। मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने के लिए कि क्या आपको ऐसा मेन अप्लाई करना होगा आपके नया टैटू के ऊपर जो कि आपके टैटू के लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है, पहली बार अपने भाई के चैनल पर आए हो ना, पहली बार मुझे देख रहे हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका टैटू बेस्ट टैटू बनाने में हर एक जगह आपका भाई आपकी हेल्प करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक नया टैटू है ना, तो सबसे पहले अगर आपने यही चूज कर लिया, क्या अगर आपने राइट प्रोडक्ट चूज कर लिया आपके टैटू पे क्या अप्लाई करना है, तो आपका टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन का एक अच्छा टैटू वाकई में बन के आपके सामने आ जाता है विद इन 20 डेज के अंदर। तो लेकिन अगर आप यही नहीं चूज़ कर पा रहे हो कि मुझे अपने टैटू के ऊपर क्या अप्लाई करना होगा, क्या ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपके सामने आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में भी, यूट्यूब पे भी, हर एक जगह आपको सजेस्ट किए जाते हैं, तो आप ये मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या यूज़ करें। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, चार ऐसे प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपको सभी लोग सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम, जैसा कि आप देख सकते हो इस क्रीम को बहुत ज़्यादा टैटू आर्टिस्ट सजेस्ट करते हैं। अब ये बेस्ट है प्रोडक्ट, मैं आपको बताऊं कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट, सेकंड है बेबी जॉनसन ऑयल, एंड थर्ड है जो कि आपको भाई बहुत लोग सजेस्ट करते हैं वैसलीन, जो कि रोड साइड आर्टिस्ट होते हैं वो थर्ड नंबर के स्टेप को बताते हैं, थर्ड नंबर के ऑप्शन को बताते हैं कि आप अपने टैटू को हील करने के लिए वैसलीन का आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, बहुत सारे जो टैटू आर्टिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट है, उसी इसी प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट, जैसे आप देख रहे हो ये एक तरह का जेल होता है। अब ये बेस्ट है, और बेस्ट है भी तो किस लिए, अगर बेस्ट नहीं है तो क्यों बेस्ट नहीं है, या किन लोगों के लिए बेस्ट नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको चार प्रोडक्ट बता दिया, आज हम चार प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे कि इनमें से आपका प्रोडक्ट का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात कर लेते हैं सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम की। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने अपने बॉडी पार्ट पर तीन टैटू बनवाए, तो मैंने दो पार्ट के ऊपर सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का यूज किया था। ये पर्सनली मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, मैंने इस क्रीम का यूज किया था जिससे मेरा जो दो टैटू पे मैंने इस क्रीम का यूज किया था, तो मेरा टैटू विदाउट किसी इन्फेक्शन के एक बेस्ट टैटू बन पाया, ना कि किसी तरह का फेड पड़ा या किसी भी तरह की पिंपल विंपल किसी भी तरह का मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, लास्ट में मेरा टैटू बेस्ट टैटू बन के आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही दिन से इस क्रीम का यूज करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट है सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट। अब सेकंड आता है बेबी जॉनसन ऑयल और वैसलीन, इन दोनों को मैं दोनों को साथ में कवर करना चाहूंगा बिकॉज दोनों के इफेक्ट सेम है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपके जो हैंड वाला टैटू मैंने बनवाया, जैसे कि आप देख सकते हो इस हैंड वाले टैटू के ऊपर मैंने 4 से 5 दिन तो बेबी जॉनसन ऑयल का यूज किया और 5 से 6 दिन मैंने वैसलीन का यूज किया था। तो लास्ट में मेरा टैटू जो है, मैं एक तरह का इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या मेरे टैटू पे पर्सनल जो ओपिनियन शेयर करता हूं कि क्या मेरे टैटू के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मुझे इस टाइप का कुछ इन्फेक्शन भी हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा ही टैटू है, मुझे मेरे टैटू पे इस तरह का इन्फेक्शन भी देखने को मिला था और लास्ट में मेरा टैटू फेड पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा हल्का पड़ चुका था। अब ये क्यों पड़ता है,
मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए बेबी जॉनसन ऑयल और आपकी वैसलीन, मैं मानता हूँ ये आपकी टैटू को हील नहीं करती, ध्यान से सुनना दोस्तों, हील नहीं करती, आपकी टैटू को ढंग से मॉइस्चराइज कर देती है। अब लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते थे, वो इन दोनों प्रोडक्ट में से किसी प्रोडक्ट का यूज़ करके डायरेक्ट तो कहीं भी सनरे में निकल जाते हैं, एंड उसके बाद में ज़्यादा ही इसका यूज़ करने से। और भाई मेन फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ, हर एक चीज़ को सही करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का यूज़ में लाया जाता है। अब वैसलीन और बेबी जॉनसन ऑयल का टैटू से लेके क्या संपर्क, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है, जो कि टैटू आर्टिस्ट रोड साइड जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं वही सजेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका टैटू हल्का ना पड़े ना, खास करके बॉयज दोस्तों, हाँ खास करके बॉयज, अगर आप चाहते हो आपका टैटू हल्का ना पड़े, बॉयज और जिनकी डार्क स्किन है, इन दोनों प्रोडक्ट को आपको अवॉइड करना होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको साथ साथ में यह भी ऐड करना चाहता हूं, अगर आप लेडीज हैं, अगर आप वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बेबी जॉनसन ऑयल, ना कि वैसलीन। आप बेबी जॉनसन ऑयल का यूज कर सकते हो अगर आपकी फेयर स्किन है, तो डार्क स्किन है तो भी इस प्रोडक्ट का यूज ना कीजिएगा। फेयर स्किन वाली जो वुमेन्स होती हैं वो बेबी जॉनसन ऑयल का यूज कीजिए, ना कि किसी भी तरह के क्रीम एंड जेल का, सिल्वर एक्सपेरिमेंट का, और भी मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, किसी भी आप क्रीम का या जेल का यूज ना करके आप इस ऑयल का यूज करोगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि वुमेन की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए उनको ज्यादा किसी तरह की हीलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए इस ऑयल का आप यूज आसानी से बड़े कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं चौथे नंबर के ऑप्शन के ऊपर, विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने इसका इसलिए इसमें ऐड किया है कि बहुत लोग हमेशा इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई मेरे टैटू आर्टिस्ट ने मुझे ये बताया था, मैंने अपने टैटू पे अच्छी तरह से अप्लाई भी किया, फिर भी मेरे टैटू के ऊपर इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। अब क्यों आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है इस तरह के जेल का यूज़ करने से? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस जेल का यूज़ कर रहे हो तो साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करने की आपको ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें इस तरह के हार्ड केमिकल पड़े होते हैं जो कि आपकी टैटू को बहुत जल्दी हील तो कर देता है अगर आप राइट प्रिकॉशन करके इस जेल का यूज़ करते हो, लेकिन आप रॉन्ग प्रिकॉशन कर देते हो ना थोड़ा सा भी, जैसे कि रॉन्ग प्रिकॉशन में मैं आपको बता दूँ, सिंपली आप सनरे में चले जाते हो, भूल से आप अपने टैटू के ऊपर सोप का, साबुन के नहाते वक्त साबुन का यूज कर देते हो, या नॉन वेज, जंक फूड, ऑयली फूड, या किसी भी तरह के इनमें से किसी भी तरह के प्रोडक्ट का सेवन कर लेते हो ना, तो आपके टैटू के ऊपर दाने निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी, अंतिम में कहीं आपका टैटू पक भी जाएगा, हल्का तो पड़ ही जाएगा डेफिनेटली। इसलिए लेकिन जो ये जेल का यूज किसके लिए बेस्ट है, जिन लोगों का टैटू बहुत बिग साइज का है ना, और फर्स्ट ऑफ ऑल दिन में 3 ही बार इस जेल का यूज कीजिएगा, साथ में मैं बता दे रहा हूँ ज्यादा भी इस जेल का यूज आप ना कीजिएगा। अगर आपका टैटू बिग साइज का है तो आप इसका यूज़ कीजिए, तो आपके टैटू के हीलिंग के लिए बहुत जल्दी ये हील करेगा, और साथ साथ में प्रिकॉशन भी कीजिए, नॉन वेज, सनरे और अलग अलग तरह के फूडों को आप अवॉइड करोगे, साबुन को अवॉइड करोगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये ए एंड डी ऑइंटमेंट, बिकॉज ये आपके टैटू को बहुत जल्दी हील करता है। तो गाइस मैंने आपको चारों ऑप्शन अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि अब आपको कौन से क्रीम का, कौन से ऑयल का, कब किस वक्त यूज़ करना होगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपका सारा डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, अगर कोई और भी डाउट है आपके माइंड में तो कमेंट में कर दीजिए, आपका रिप्लाई आपका भाई खुद करेगा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता हूं भाई तो माफ कीजिएगा, और इंस्टाग्राम की आईडी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन को, डाउट को अच्छी तरह से समझ के उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अपने इस भाई के चैनल पर आए, पहली बार अपने इस भाई को देख रहे तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो वंदे मातरम।